वेलकम बैक बैक टू माय चैनल दैट्स वेंचर्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द लिंकेज बिटवीन इंटरप्रीनोरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट कैसे है इंटरप्रिनरशिप या हमारा जो इंटरप्रिनर इंटर है वो कैसे आ, मदद करता है अपने किसी भी एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज करने में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्रो करने में तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी जीडीपी का मतलब क्या होता है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना किसी भी इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना वो होता है वो तभी डेवलप होगा जब उसकी जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी अब हमारा इंटरप्रिनरशिप कैसे इसमें हेल्प करता है ठीक है इंटरप्र जो हमारा इंटरप्रिनर है वो क्या करता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज लेता है जो डायरेक्टली उन प्रोडक्शन एक्टिविटीज से क्या जनरेट करता है इनकम जनरेट करता है कुछ फैक्टर्स जो हैं प्रोडक्शन के जैसे वो लैंड यूज़ करता है लेबर यूज़ करता है कैपिटल और उसके रिटर्न में इन सर्विस से वो कुछ फ़ायदा लेता है कैसे जैसे कि इन प्रोडक्शन के जो भी फैक्टर्स इसने लिए हैं उससे वो क्या करेगा इनकम जनरेट करेगा कैसे लैंड पे वो रेंट ले लेता है लेबर जो है वो अपने वेज ले, ले लेते हैं कैपिटल से इंटरेस्ट बना लेता है तो ये सारे जो चीज़ें हैं ओवरऑल फायदा क्या हुआ इससे इससे जो हमारा ओवरऑल जी था दैट इज द ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो इंक्रीज हो गया तो दैट तो मीन्स हमारा जो इंटरप्रनोर है वो बहुत ही ज्यादा डायरेक्टली रोल प्ले करता है टू तो इंक्रीज जी डी और जब किसी भी एरिया का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो कॉमन सेंस है दैट मींस कि वहां का इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज हो रही है तो सेकंड चीज में कैसे हेल्प करता है दैट इज द कैपिटल फॉर्मेशन जीडीपी हमारे पी इकोनॉमी का जो है ना वो डायरेक्टली रिलेट होता है टू द रेट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन अब कैसे ये कैपिटल फॉर्मेशन के रेट से कैसे है दैट मीन्स सिंपली वी कैन से दैट इफ़ द डिज़ायर्ड रेट इज़ हायर आर वी कैन से दैट द हायर द डिज़ायर्ड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ़ जी डी पी दैट मीन्स हायर विल बी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है टू प्रोड्यूस द गुड्स लाइक मशीनरी फैक्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है अब हमारे पास जो इंटरप्रिन है वो अपनी कुछ सेविंग्स को इन्वेस्ट करता है और बाकी की सेविंग्स को भी जो बाकी लोगों की सेविंग उनको भी मोबालाइज़ करता है और जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोसेस जो कैपिटल फॉर्मेशन की है वो काफ़ी इंक्रीज होती है थर्ड स्टेप दैट इज द जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट देखो बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं अगर उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो दे आर नॉट एबल टू अर्न एनी थिंग दे आर नॉट एबल टू लीव दियर लाइवलीहुड ओके तो उस चीज के लिए हमें हेल्प कौन करता है इंटरप्रिनर कैसे एक इंटरप्रिनर क्या करता है अगर वो अपना बिजनेस कर रहा है बिजनेस की वजह से वो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज लोगों को देता है ताकि वह अर्न कर सके अपना लाइवलीड जैसे हमारा इंटरप्रिनर बिजनेस सेट कर रहा है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग लोगों को उसमें इन्वॉल्व करता है जैसे लेबर्स उनको चाहिए तो लोगों को लेबर लेबर्स लेगा मजदूर वगैरह उनको पैसे देगा या अगर उनको कोई चीज़ चाहिए जैसे वुड चाहिए तो वो जाके वुड वालों से डील करेगा तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों को तो वो अपने साथ इन्वॉल्व करता ही करता है और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ बनाता है ताकि वो अपने अपने लिए अर्न कर सकें फोर्थ इज जनरेशन ऑफ बिजनेस लिंकेज हमारा इंटरप्रनॉर जो है ना वो हेल्प करता है इन ऑर्डर टू क्रिएट द चेन ऑफ बिजनेस लिंकेज अब इसका मतलब क्या है कि ये एक बायर और सप्लायर के बिटवीन एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है ये रिलेशनशिप जो होती है ना ये होती है प्रॉफिट ऑरिएटेड रिलेशनशिप क्योंकि दोनों पार्टीज़ को यहाँ पर क्या मिलता है प्रॉफिट मिलता है अब कैसे देखो जो हमारा इंटरप्रनॉर है ना ये कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है सप्लायर्स को भी जो सप्लाई कर रहे हैं मतलब सप्लायर्स यहाँ पे क्या है जो इनपुट दे रहे हैं हमारा और मार्केटर्स मार्केटर्स वो लोग हो गए हैं जो क्या करेंगे सेल करेंगे मतलब जो आउटपुट मार्केट में जाके सेल करेंगे दोनों को फायदा हुआ कैसे अगर इंटरप्रिन बोलता है कि मैं टेबल और चेयर बनाऊं तो उसके लिए वो क्या करता है उन लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है जो उनको इनपुट रिसोर्सेज देंगे टेबल चेयर के लिए उनको क्या चाहिए वुड चाहिए स्टील चाहिए इसी तरह से उसको उसमें लेबर्स भी चाहिए हो गए वो लोग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टर्स भी चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए हो गए ट्रांसपोर्टर्स भी इन्वॉल्व इसमें इसी तरह उनको रिटेलर्स भी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए रिटेलर्स भी चाहिए दैट मीन्स इसने उन आदमी को भी अपने साथ क्या क्या लिंक किया <coughs> और ये सारे लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की सिंगल एक फैक्ट्री उसने बनाई थी टेबल चेयर मैन्युफैक्चरिंग लेकिन कितने लोगों को आप देखो इसने अपने साथ इन्वॉल्व किया ट्रांसपोर्टर्स को रिटेलर्स को लेबरर्स को जिनसे इनपुट ले रहा है उन लोगों को जिनसे वुड ले रहा है जिनसे स्टील ले रहा है तो काफ़ी ज़्यादा फायदा का हो रहा है हमारे इंटरप्रेनोर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फिरता हमारा इंक्रीज एफिशिएंसी, अब देखिए हमारा जो इंटरप्रिनर है ना वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है कैसे वो चाहता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको उनकी वेस्टेज ना हो ज़्यादातर उसका फोकस क्या होता है दैट इज ऑन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और वो चाहता है कि वो ग्रेटर आउटपुट प्रोड्यूस करे लेकिन उन्हीं रिसोर्सेज से जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं और वो क्या करता है इन अदर टर्म्स वो इंटरप्रनोर uh, जो है वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे काम करता है जब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी दैट मींस ओवरऑल जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी इफेक्ट होगा काफ़ी असर पड़ेगा सिक्स दैट इज़ इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा इंटरप्रनोर जो है ना वो हमेशा कोई फ्रेश एरियाज़ देखता है जहां पे वो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर पाए और अपना नया बिज़नेस कर पाए स्टार्ट उससे क्या होगा जहां एरिया में ऑलरेडी बिजनेस नहीं है या वहां पे कोई कमी है तो वहां पे जब वो आ, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां की जो है ना वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है और ये तो दैट मीन्स वो जियोग्राफिकल एरियाज या टेक्नोलॉजिकल सेक्टर जहां पर टेक्नोलॉजी या ये सब चीज़ों की कमी है वहां पर अपने बिज़नेस को सेट करता है So that means these were the linkage between economic development and enterprise i hope you uh, have understood this video to so kindly subscribe my channel